नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बोर्ड मास के रूल समझेंगे, बोर्ड मास के सवाल करेंगे, बोर्ड मास के बारे में समझेंगे भी बोर्ड मास क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, तो उसको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएगा जाएगा भी। बोर्ड मास जैसे ब्रैकेट है, ओफ है, डी है, एम ए एस, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आज अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो और चैनल को दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिए भाई, आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो जैसे हमने यहाँ बोर्ड मास लिखा है तो बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले भी बोर्ड मास क्या होती है, बी फोर ब्रैकेट होती है, बी फोर ब्रैकेट होती है, ओफ ओफ ओ ओफ होता है। ओफ मीने क्या होती है, हम यहाँ गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। डी फोर क्या होता है, डिवाइड होता है, डी फोर डिवाइड। एम फोर मल्टी, जिसको बोलते हैं गुणा का निशान, जिसको हम गुणा कहते हैं। ए फोर एड, जहाँ हम प्लस करते हैं। एस फोर सब्ट्रैक्ट, जहाँ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एस फॉर सब्ट्रैक्ट ये आपको दिखाई दिया होगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है जैसे, तो 8+ ब्रैकेट है, 15+5-, फिर ब्रैकेट है 5-, फिर ब्रैकेट 4+2-3, और फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर उसके बाद मंझली ब्रैकेट है, और सबसे ये बड़े बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे यहाँ 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटी ब्रैकेट इसमें हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम इसका नंबर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लस ब्रैकेट 15+5-, ये ब्रैकेट, और 5-। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ। अब देखो 4+ का है और 2+ का, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, और माइनस का 3 है, तो 6 में से हम 3 को घटाएंगे दोस्तों। तो 6 में से हम 3 को घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो अब ये हमारी ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट हम लगा देंगे। उसके बाद हम फिर उससे बड़ी ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो यहाँ इज इक्वल टू 8+ ब्रैकेट 15+5, या हमारे पास क्या है, माइनस का निशान है। क्या है, माइनस का निशान है। अब इसमें से जैसे हम, ये प्लस के 5 है और ये माइनस के हैं, तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे। 5 में से हम अगर 3 घटाते हैं, तो 5 में से हम 3 घटाते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है, 2 बचता है। तो बार हमारे पास माइनस का निशान है, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को लगा देते हैं, उसके बाद 8+। अब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट, सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसे हम, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो ये 15+ का है और 5 भी+ का है, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 में से हम 2 को घटाएंगे, 20 में से हम 2 घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो लास्ट में हमारे पास सबसे ये ब्रैकेट बची थी, इसको हमने सोल्व कर दिया है। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, इसमें प्लस है, तो अब हम ये दोनों संख्या हमारी किसकी है, प्लस की है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। इसका लास्ट में आंसर आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर करना, और कमेंट कर कर आप ज़रूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। तो आप ऐसे ही बोर्ड मास के रूल, ऐसे ही बोर्ड मास के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।